हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंडर जो आपके रिक्रूटमेंट निकली है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु में एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019 के अंडर। तो जो आपके रिक्रूटमेंट निकली है वो यहाँ पे तीन पोस्टों के अंडर निकली है, टेक्नीशियन भी, ड्रॉड्समैन भी और टेक्निकल असिस्टेंट के अंडर। जिन स्टूडेंट्स ने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के अंडर, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम डिटेल में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे, ये जो आपकी तीनों पोस्ट रहेंगी, कौन कौन से स्टूडेंट्स के अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, किस बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन टेक्नीशियन बी के अंडर रहेगी, ड्रॉड्समैन बी के अंडर रहेगी और टेक्निकल असिस्टेंट के अंडर रहेगी, और क्या आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी आपकी जो एज है वो होनी चाहिए इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कंप्लीट जो आपके माइंड में डाउट्स हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, वो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते टाइम प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे इसके फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी रहेंगी टेक्नीशियन बी के अंडर, यानी कि कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स आपकी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन तीन पोस्ट के अंडर फ्रेंड्स रहेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ओपन कर ले हैं तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी और टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे इसरो के अंडर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के अंडर फ्रेंड्स, जो कि आपका बेंगलुरु में, इसके अंडर आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकली है। तो यहाँ पे आप सबसे पहली पोस्ट देख सकते हैं टेक्नीशियन बी। तो टेक्नीशियन बी के अंडर जो आपके यहाँ पे ट्रेड्स रहेंगे, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर और मशीनिस्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फिटर के अंडर आपकी यहाँ पे 20 वैकेंसियाँ रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंडर आपकी यहाँ पे 15 वैकेंसियाँ रहेंगी, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज की देख सकते हैं। तो फिटर के अंडर जो स्टूडेंट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उनकी यहाँ पे 10th या फिर आपने मैट्रिकुलेशन पास की होनी चाहिए और आपके पास 10वीं के साथ ITI प्लस NTC प्लस NAC का डिप्लोमा भी आपके पास फिटर ट्रेड के अंडर होना चाहिए, और जहां से आपने अपना डिप्लोमा कर रखा है वो इंस्टीट्यूट आपका NCVT से फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सिमिलरली आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए भी देख सकते हैं, सभी के लिए आपके यहां पे 10th पास चाहिए और ITI, NTC और NAC का डिप्लोमा आपका यहां पे रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंडर होना चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंडर फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पे ITI, NTC या फिर NAC का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंडर होना चाहिए। सिमिलरली प्लम्बर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए भी आपका यहाँ पे रिस्पेक्टिव फील्ड के अंडर आपका डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिप्लोमा फ्रेंड्स रहेगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सेकंड के लिए देख सकते हैं ड्रॉट्समैन बी के लिए, जिसमें आपकी यहाँ पे ड्रॉट्समैन मैकेनिकल और ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी। ड्रॉट्समैन मैकेनिकल की 10 वैकेंसी रहेंगी और ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रिकल की आपकी यहाँ पे 2 वैकेंसी रहेंगी। तो इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए यहाँ पे आपकी 10th पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पे ITI, NTC, NAC का डिप्लोमा होना चाहिए। ड्रॉट्समैन का मैकेनिकल के अंडर आपका मैकेनिकल ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंडर आपका ITI, NTC या फिर NAC का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए, और जहाँ से आपने अपना डिप्लोमा कर रखा है वो इंस्टीट्यूट आपका NCVT से फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पे 3rd पोस्ट के अंडर देख सकते हैं जो कि आपकी टेक्निकल असिस्टेंट रहेगी, इसमें आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सिविल की वैकेंसी रहेंगी। मैकेनिकल की आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रहेंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आपकी 12 वैकेंसी रहेंगी और सिविल के अंडर आपकी 3 वैकेंसी फ्रेंड्स रहेंगी। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा जो है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी स्टेट बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड आपका जो इंस्टीट्यूट है वो होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रहेगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका किस बेसिस पे रहेगा,
क्योंकि आपके माइंड में ये होगा जब आपने इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर दिया उसके बाद डायरेक्टली आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, तो ऐसा फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले भी आपके यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी जो हम यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपका यहाँ पे क्या एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो सबसे पहले जो आपके यहाँ पे एज है वो यहाँ पे काउंट की जाएगी जब इसकी आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो 13 सितंबर 2019 तक आपकी जो एज है कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 ईयर से नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एज है 35 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए 13 सितंबर 2019 तक। और जो सेंस यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी हैं या फिर दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे फ्रेंड्स रिलैक्स सेक्शन भी रहेगी एज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी एसटी वालों को यहाँ पे 5 साल तक की एज की रिलैक्स सेक्शन रहेगी, यानी कि वो कैंडिडेट यहाँ पे 40 ईयर्स तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी वाले यहाँ पे 38 ईयर्स यानी कि ओबीसी वालों को 3 साल तक का एज का रिलैक्स सेक्शन फ्रेंड्स रहेगा। और जो सेंस यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है, दिव्यांग कैंडिडेट है, विडो, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड है जो अपने हस्बैंड से और उन्होंने अभी तक मैरिज नहीं की है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे एज का क्राइटेरिया रहेगा इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे तीनों पोस्टों के अंडर टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी के अंडर यहाँ पे स्केल देख सकते हैं। इन दोनों के लिए आपका लेवल 3 पे स्केल रहेगा और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो आपका यहाँ पे लेवल है वो आपका यहाँ पे लेवल 7 रहेगा। और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए कितनी आपकी पे रहेगी पर कितना आपका यहाँ पे डेयरनेस अलाउंस रहेगा वो फ्रेंड्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका किस बेसिस पे फ्रेंड्स रहेगा। तो सबसे पहले जब आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद डायरेक्टली आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट नहीं कंडक्ट होगा। जब आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले बेसिकली आपकी यहाँ पे एक इनिशियल स्क्रीनिंग यहाँ पे कंडक्ट होगी जो कि आपकी यहाँ पे एकेडमिक्स परफॉर्मेंस पे बेस्ड करेगी और बाकी जो आप पैरामीटर अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम वहां पे जो पैरामीटर्स डालोगे उन पैरामीटर्स पे और जो आपकी एकेडमिक्स के परफॉर्मेंस में यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने स्कोर किया है उस परफॉर्मेंस में आपकी यहाँ पे जो इनिशियल स्क्रीनिंग है वो फ्रेंड्स यहाँ पे डिपेंड करेगी। और जो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाएंगे उसके बाद उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। और रिटर्न एग्जामिनेशन जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पे जस्ट इसको क्वालिफाई करना है, फाइनल सिलेक्शन आपकी डिपेंड करेगी जो आप यहाँ पे फ्रेंड्स रिटर्न एग्जामिनेशन में मार्क्स को स्कोर करोगे। रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपके यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आपने जितना भी स्कोर किया होगा उस पर आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो डिपेंड फ्रेंड्स यहाँ पे करेगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली नीचे देख भी सकते हैं जो आपका स्किल टेस्ट है ये आपको जस्ट क्वालिफाई करने हैं और क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 60% यहाँ पे लेनी है, 61, 62 आपने इससे अबव जितनी भी लिया तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं। और 60% से अगर आप यहाँ पे 59 हो जाती है या फिर 58% रहती है तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे स्किल टेस्ट के लिए। 60% आपको कम से कम यहां पे क्वालिफाई होने के लिए लेनी ही लेनी है, बाकी आप जितने एक्स्ट्रा लोगे वो आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं डिसाइड करेंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन में जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उस पे आपकी फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगी। तो ये फ्रेंड्स आपका यहां पे सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा जिस भी पोस्ट के अंडर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि वो अभी यहाँ पे अपना डिप्लोमा या फिर आईटीआई अभी कर रहे हैं क्या वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली पॉइंट के अंडर देख सकते हैं सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे आईटीआई या फिर डिप्लोमा पास कर चुके हैं, आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं अपने आईटीआई या फिर डिप्लोमे का वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लियरली देख भी सकते हैं लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 13 सितंबर 2019 को रहेगी। अगर आपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा इन ट्रेड्स में कर रखा है तो बहुत ही अच्छा मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते टाइम प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे और उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन बी एंड ड्रॉट्समैन बी एंड टेक्निकल असिस्टेंट का लिंक यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करना है या फिर डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला
पेज यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है, जिसमें भी आपका आईटीए का डिप्लोमा आपने कर रखा है, उस पोस्ट के अंडर आप यहाँ से डायरेक्टली फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक के अंडर दिखाता हूँ कैसे आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। सिमिलरली आपका सभी के लिए सेम रहेगा। तो सपोज आपने यहाँ पे ड्रॉट्समैन भी मैकेनिकल के अंडर यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोन से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पे जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, बस इतना ध्यान रखें कि डेस्कटॉप साइट को आप यहाँ पे ऑन कर देंगे। जैसा आपका कंप्यूटर में पेज ओपन होके आता है, ऐसे आपका मोबाइल में फ्रेंड्स ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने फिलअप करनी है। मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए, आईटीए का डिप्लोमा कब किया था, या फिर एनटीसी का या फिर एनएसी का। तो यहाँ पे आपको सारी अपनी एजुकेशन की डिटेल्स फिलअप करने के बाद फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और फोटो का आपका साइज यहाँ पे 50KB से मैक्सिमम आपका 50KB मांगे, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे आपका यहाँ पे चल जाएगा। और आपकी जो क्वालिटी है फोटोग्राफ की, वो इतनी ब्लर नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली फोटो, आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपके पास होना चाहिए, 50KB उसका आपका साइज होना चाहिए। तो फोटो को कैसे आपने रिसाइज करना है वो हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है। फोन से आप इसके साइज को 50KB बना सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पे अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि फोटो को आपने कैसे फ्रेंड्स फोन से रिसाइज करना है। तो यहां पे डायरेक्टली आप अपनी इंफॉर्मेशन को सबमिट करने के बाद यहां पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फ्रेंड्स कंप्लीट तरीके से सबमिट करेंगे। यहां पे वीडियो ज्यादा लॉन्ग बन जाएगी, मैं आपको यहां पे दिखा नहीं रहा हूं कैसे आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। आप यहां पे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को फिल करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है यहां से अपलोड कर लेंगे। कैसे उनको रिसाइज करना है वो मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो जल्दी से अपने फॉर्म को आप यहां पे सबमिट करें। अगर आपको यहां पे फॉर्म को सबमिट करते टाइम या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम, तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। या फिर कुछ फ्रेंड्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उनका फॉर्म फिल नहीं होता, तो डायरेक्टली वो मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको फ्रेंड्स फॉर्म फिल करके आपकी मेल आईडी पे आपको डायरेक्टली उसका प्रिंट आउट रहेगा, और आपकी जो जितनी भी डिटेल्स आपकी रहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी पर्सनल डिटेल्स, वो आपकी कंप्लीट फ्रेंड्स सिक्योर रहेंगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।